नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भी पशुपालक भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर जो भी नए वीडियो हमारे चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो वीडियो के माध्यम से, जैसा कि अच्छी और उम्दा नस्ल का पशुधन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अच्छी किस्म का जो मुर्रा जो सांड है वो भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उतनी ही उसकी अहमियत है जितना कि मुर्रा पशुधन की जो भैंसे हैं, क्योंकि बिना सांड के हम अच्छी और उम्दा किस्म का पशुधन कभी तैयार नहीं कर सकते। तो ये आप देख सकते हैं एक बेहतरीन किस्म का उम्दा नस्ल का सांड डिस्ट्रिक्ट रोहतक से, और धीरे सर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक युवा पशुपालक हैं और जो इन्होंने अपने घर पे ये बेहतरीन किस्म का जो सांड तैयार करके एक नाम कमाया है गांव खरावड़ डिस्ट्रिक्ट रोहतक में, वो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही काबिले तारीफ। तो इसकी डिटेल्स मैं जानना चाहूँगा धीरज सर से। नमस्कार धीरज सर। नमस्कार भाई साहब, ठीक हो? जी जी, बहुत बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं? तो क्या डिटेल्स, एक बार डिटेल्स बताएं। जी जी जी, ये आप देख सकते हैं, एक बार जो ये बुल आपने तैयार किया इसकी डिटेल्स मैं आपसे जानना चाहूंगा। इसका नाम पृथ्वी बुल है। पृथ्वी बुल, जी बुल है जी। और ये मतलब दांते पूरे तो ही नहीं है, बाकी होने लग रहे हैं। जी जी, दांते बने हुए कसर अभी जी, कसर थोड़ी बहुत रही, बाकी होने वाला है। उम्र कितनी है सर, एक बार मैं पूछना चाहूंगा? साढ़े चार से पांच साल तक की एज बता रहे हैं। और पृथ्वीराज जो इसका नाम रखा वो काफी सराहनीय, काफी काबिले तारीफ, एक नामकरण हर एक बुल का हरियाणा प्रदेश में हमें देखने को मिला। बाकी ये बुल आप देख सकते हैं, और अगर मैं नज़दीक से इसको कवर करके दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं, सींगों की बनावट एकदम नेचुरल कुदरती सींग, चेहरा मोरा, और स्वभाव अगर मैं दिखाना चाहूँ तो स्वभाव ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव। हाइट लेंथ काफ़ी अच्छी खासी, अगर मैं कवर करके दिखाना चाहूँ, थोड़ा आगे लें इसको, ये आप देख सकते हैं एक विशाल का शरीर, भारी भरकम का जो बुल इन्होंने अपने घर पर तैयार किया उसके लिए मैं सर को बार बार बधाई देता हूँ, बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे सीमंस का चुनाव कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम भी जो आगे आने वाले जो बच्चे पैदा होंगे कटड़े कटड़ियाँ, उनको तैयार करके एक अच्छी किस्म का जो ब्रीड है वो अपना हम अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो धीरज सर मैं पूछना चाहूँगा, मदर का कोई मिल्क रिकॉर्ड वगैरह है इसका? मदर का इसका 24 से 25 प्लस का है। 24 से 25 प्लस, ये आप देख सकते हैं। और फादर का? फादर तो HLDB का है। HLDB का सीमन था, तो घर पे तैयार किया था या कहीं से लेके आया? मुझको 6-7 महीने हो गए, ये मैं एक दोस्त से लेके आया था। जी 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 हाँ, दोस्त से लेके आया था जी, कोई शौक नहीं था जी, वो सिर्फ भैंस का दूध का काम करता है। जी जी, तो ये बुल हमें पसंद आया, बुल ले आए। ये आप देख सकते हैं कि कहीं से लेके आए थे, और जो जानकारी इन्होंने दी, मदर का मिल्क रिकॉर्ड है इनके पास, फादर का कोई रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि बता रहे हैं HLDB सीमन का इन्होंने जहाँ से लेके आए थे उन्होंने इसका प्रयोग किया है। और जब इसको लेके आए थे इसका वजन 700-750 किलो था। जी जी जी, अब इसका 100 टन के करीब वजन। सर मैं पूछना चाहूंगा, कोई सीमेंस वगैरह तैयार करा रखे हैं या पशुओं को डायरेक्ट क्रॉस कराते हैं? अभी तो मतलब क्रॉसिंग तो जिनसे लेके आए थे ना वही कराते थे, जब से लाए हैं कोई क्रॉसिंग नहीं की, कोई क्रॉसिंग नहीं, सिर्फ कंपटीशन के लिए तैयार किया। जी जी, इसने मतलब जो हमने सोचा था जी उससे ज्यादा नहीं तो बहुत है। जी 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 बिल्कुल, इसको नरवाने ले गए थे हमें कंपटीशन में, मई को जी 11 मई को ले गए थे जी, 11 अप्रैल को ले गए जी, 11 अप्रैल को ले गए थे वहाँ पर, इसने टॉप 10 में आई है, वहाँ पर टॉप 10 में काउंटिंग हुई है। तो पहला कंपटीशन था आपका? पहला कंपटीशन, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट कंपटीशन में जो हौसला अफजाई इसको मिली, टॉप 10 में जो काउंटिंग हुई वो काफी सराहनीय, काफी काबिले तारीफ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि इसी तरह आप कंपटीशन में अच्छे अच्छे पशुधन जो है घर पे तैयार करके ले जाते रहें, जिससे न सिर्फ आपका नाम होगा बल्कि हरियाणा प्रदेश का नाम होगा। और ये आप देख सकते हैं, अगर एक बार थोड़ा उधर घुमाएं, मैं टेस्टिकल्स इसके दिखाना चाहूंगा, बुल को हम टेस्टिकल के बिहाफ पे तैयार करते हैं, और टेस्टिकल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी शानदार टेस्टिकल्स, बता रहे हैं कि ना कोई सीमेंस यूज़ करवा रखे हैं, ना सीमन तैयार है मार्केट में इसके, ना किसी भैंसों पे डायरेक्ट क्रॉसिंग का कोई काम कराते हैं, बस एक शौक है, और शौक की कोई कीमत नहीं होती, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बात से अंदाज़ा लगा हुआ है।
के भारी भरकम शरीर को का जो बुल इन्होंने तैयार किया वो काफ़ी सराहनीय, काफ़ी काबिल तारीफ। मैं एक बात और बताना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, जिस तरह से पहलवान को हम अपने घर में तैयार करते हैं, अच्छा खासा समय, अच्छी खासी मेहनत, अच्छा खासा पैसा उसके ऊपर लगाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये जो मुर्रा बुल का जो सांड आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर भी उतना ही अच्छा खासा खर्चा, उतना ही खासा समय, अच्छा खासा और उतनी अच्छी खासी डाइट इसको दे करके जो सर ने तैयार किया वो काफ़ी सराहनीय, काफ़ी काबिल तारीफ। तो धीरे सर क्या सेल वगैरह करना चाहेंगे अगर कोई? सेल करेंगे जी। घर पे कोई करने वाला इतना है नहीं। बिल्कुल। तो इंसान की कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, कह रहे हैं सेल करना पसंद करेंगे अगर कोई इच्छुक बार इसको खरीदना चाहता है। सर एक बार रेट हमारे पशुपालक भाइयों को जरूर बताएं। 3 लाख रुपए रेट है भाई। 3 लाख रुपए इसकी कॉस्ट रखी है। तो 3 लाख रुपए इसकी कॉस्ट रखी है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, फिक्स प्राइस है पंचायत आई तो झुकना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं काफी उच्चतम विचार के इंसान कह रहे हैं अगर कोई पंचायत आई तो झुकना पड़ेगा, क्योंकि गांव समाज की चीज हो जाती है। और बोलते हैं पंच परमेश्वर होता है तो पंच परमेश्वर के आगे सबको झुकना पड़ता है, ये आप देख सकते हैं। बाकी बुल में किसी तरह की कोई कमी नहीं, 3 लाख रुपए इसकी कॉस्ट रखी है। जो भी इच्छुक बार इसको खरीदना चाहें वो धीरे सर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स में इनसे जानना चाहूंगा। सर मोबाइल नंबर बताए। 9090 5000 4190 4190। ये 95041490 ये इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। गांव खरावड़, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा प्रदेश। और जब जब रोहतक जिले का नाम आया, अच्छी और उम्दा किस्म का बेहतरीन पशुधन यहां पे देखने को मिला, उन्हीं में से एक पृथ्वीराज बुल जो आप यहां पे देख सकते हैं, एक विशालकाय शरीर का जो इन्होंने तैयार किया वो काफ़ी काबिले तारीफ, काफ़ी सराहनीय। और सर मैं तो यही कहना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, भगवान आप ऐसे ही अच्छा और उम्दा किस्म का पशुधन तैयार करते रहें और न सिर्फ अपने गांव का नाम, न सिर्फ हरियाणा प्रदेश का बल्कि भारत देश का नाम रोशन करते रहें। तो ये बुल सेल के लिए अवेलेबल है, जो भी इच्छुक बार लेना चाहें वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।